इस लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास रेजिस्टेंस है 20 ओम का, कनेक्ट कर दिया है एसी सोर्स से 110 ओम 50 हर्ट्ज हमारा एसी सोर्स। तो एसी सोर्स का वोल्टेज हमें गिवन है, तो ये कौन सा वोल्टेज है? ये वोल्टेज है हमारा आरएमएस वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज, ओमेगा निकाल सकते हैं 2 पाई का, तो 50 × 2 पाई 100 पाई, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा। आई आरएमएस कितना आएगा? वी अपॉन, हमने क्या कनेक्ट किया है, एक रफ सर्किट बना लेते हैं, हमारा रेजिस्टर है इसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। आई आरएमएस कितना आ जाएगा? वी आरएमएस अपॉन आर। वी आरएमएस है 110 है, रेजिस्टेंस है 20, कितना आ गया 0 से 0 5.5 एम्पीयर। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इन रेजिस्टर, मैक्सिमम करंट निकालना है। सेकंड, मैक्सिमम करंट क्या होता है? वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट अपॉन जेड, जेड क्या था? इंपीडेंस, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है, हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट बाई आर। एक तो ये मेथड है, दूसरा क्या है, आई नॉट हमारा क्या होता है, आई आरएमएस क्या होता था? आई नॉट बाई रूट। तो यहां से हम आई नॉट फाइंड कर सकते हैं। पहले इतना नोट कर ले, पहला क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। वैल्यू कितना आएगा? सेकेंड वाला था हमारे पास मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट कितना आ जाएगा? √2 × 5.5 आई आरएमएस हमारे कितना आ चुका है 5.5 एम्पीयर, 5.5 √2 एम्पीयर आ गया सेकेंड का आंसर। थर्ड हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू, करंट मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू तक आने में कितना टाइम लगता है। थर्ड, करंट को हमारा मैक्सिमम से मतलब आई नॉट से आई आरएमएस तक आने में कितना टाइम लगा है। तो करंट का वेरिएशन हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस है से, तो फेज डिफरेंस 0, तो आई नॉट साइन ओमेगा की, यहां आ जाएगा आई आरएमएस आई नॉट साइन ओमेगा की। आई आरएमएस तक आने के लिए कितना टाइम लगा, ये हो गया हमारा फाइनल करंट इनिशियल, ये मैक्सिमम लेगा। पहले यहां तक नोट कर ले, इस पार्ट तक, बाद में हम ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां से आ गया हमारे पास आई आरएमएस का √2 आई नॉट √2, ये था हमारे पास I नॉट साइन ओमेगा की। I नॉट से I नॉट कैंसिल, यहाँ पे बचा 1, ओमेगा की आ गया हमारे पास साइन 1 / √2 का होता है 45 डिग्री,
मतलब पाई बाय फोर टाइम आ गया पाई बाय फोर ओमेगा पाई बाय फोर इनटू 100 पाई। हमने स्टार्टिंग में ही ओमेगा को कैलकुलेट किया था कितना आ गया 1/400 सेकेंड्स। तो थर्ड आंसर भी हमारा आ चुका है, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। करंट हमारा गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई नॉट टी अपॉन टाउ। हमें क्या फाइंड करना है आरएमएस करंट टाउ जीरो से जीरो टू टाउ सेकेंड्स। अब यहां पे हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा आरएमएस करंट क्या होता है। आई आरएमएस क्या था रूट मीन स्क्वायर। पहले हमने करंट मीन करंट का स्क्वायर किया फिर उसका रूट फाइंड कर दिया। यहां से कितना आएगा आई आरएमएस मीन करंट कितना आ जाएगा पहली बात तो I square dt upon integral dt। ये आ गया हमारा मीन करंट, ये आ गया हमारा मीन का स्क्वायर। पहले इसको फाइंड कर लेते हैं जीरो से लेके टाउ, जीरो से लेके टाउ। करंट हमें कितना गिवन है एज I इक्वल I नॉट t अपॉन टाउ पुट करेंगे I mean square आ गया हमारे पास। यहाँ पे शुरू कर दें जीरो से टाउ I है हमारे पास I not square t square by tau square dt upon नीचे कितना आ जाएगा जीरो से टाउ है नीचे आ जाएगा हमारे पास टाउ। यहाँ से I not square upon टाउ का क्यूब बाहर अंदर बचा हमारे पास टी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई थ्री। ये कितना आ गया हमारे पास जीरो से टाउ तो आई नॉट स्क्वायर टाउ क्यूब अपॉन थ्री इंटू टाउ क्यूब। टाउ क्यूब से टाउ क्यूब कैंसिल ये आ गया हमारे पास I mean square by 4 ये दोनों कैंसिल I not square by 3 तो I RMS हमारा आ गया I mean के स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा पुट कर देंगे I not upon root 3 आंसर। I not upon root 3 हमारा आंसर। तो 0 से लेके tau सेकंड तक आरएमएस करंट कितना आया आई नॉट अपॉन रूट थ्री। फंक्शन अलग हमारा क्या था आई आरएमएस था आई नॉट अपॉन रूट टू तब हमारा क्या था आई नॉट साइन ओमेगा थ्री। फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा आरएमएस करंट आता है। फंक्शन क्या है क्या टाइम कंसीडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। थर्ड हमारे देखेंगे अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टर कनेक्टेड है किसी एसी सोर्स के अक्रॉस क्या फाइंड करना है यहाँ पे आरएमएस करंट। देखते हैं इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं रेजिस्टेंस है हमारे पास 50 ओम
और इंडक्टेंस 0.5 H. तो सबसे पहले यहां से XL फाइंड करते हैं, ओमेगा L. ओमेगा हमारा क्या है, ओमेगा आएगा हमारा 50 साइकिल पर सेकंड, 50 साइकल्स पर सेकंड. इसका क्या मतलब है, ये हमारा क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 साइकल्स पर सेकंड. ओमेगा क्या जाएगा 2 पाई f, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई into 50 आ गया 100 पाई. तो 100 into 100 pi into 0.5, 50 pi ओम आ गया हमारे पास एक्सेल का वैल्यू. VRMS ये 110 वोल्ट हमारा क्या गिवन है, VRMS. RMS करंट फाइंड करना, कैसे निकालेंगे, अगर हमें ध्यान हो IRMS को क्या लिख सकते हैं, VRMS अपॉन Z दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है, तो यहाँ पे इंपीडेंस आएगा. Z का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. यहां से फाइंड कर सकते हैं XL हमारा पता चल चुका है, Z इक्वल टू रूट ऑफ XL है 50 पाई स्क्वायर प्लस ये है 50 स्क्वायर, ये भी 50 स्क्वायर, 50 हमारा बाहर आ गया, अंदर बचा पाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ पाई को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, इसको नियरली 3 कंसीडर कर लें, 150 आ गया, तो नियर बाय वैल्यू आ गई 150 जेड की, इतने ओम्स. आई आर एम एस कितना आ गया, बी आर एम एस अपॉन जेड, ये हमारा गिवन है 110 अपॉन 150, इतने एम्पियर्स आ गया करंट. नोट कर सकते हैं इसे पॉज करके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट डीसी. तो हमारे पास एक बल्ब है जो हमारा जब 12 वोल्ट डीसी सोर्स सप्लाई करेंगे तभी हमारा ग्लो करेगा. इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एंड गिव्स नॉर्मल ब्राइटनेस. क्या कर दिया है, इसी बल्ब को हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है. यहाँ पे भी हमें नॉर्मल ब्राइटनेस से क्या मतलब है कि जितना ब्राइटनेस यहाँ पे था उतना ही ब्राइटनेस यहाँ पे है, मतलब जितना पावर कंज्यूम यहाँ पे हो रहा था और उतना ही पावर कंज्यूम यहाँ पे होगा. पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स हमें फाइंड करना है. अब आते हैं, हमने पढ़ा था आरएमएस और आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट. ये क्या थे, आरएमएस करंट एक ऐसा करंट था जब हम इस यहां पे अगर करंट आई है जो कि वैरी कर रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो इस सर्किट में अगर हम आई आरएमएस करंट फ्लो करवाएंगे इसी डीसी सोर्स में, अगर आई आरएमएस करंट फ्लो करवा दें तो हमारा जो पावर डिसिपेट होगा वो कैसा होगा, सेम होगा. यहाँ पे पावर डिसिपेशन सेम होगा, यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ पे जो वी आरएमएस होगा वो कितना होना चाहिए, 12
वोल्ट, तभी हमारा पावर सेम रहेगा, वी आर एम एस 12 वोल्ट। तो यहां पे लिख सकते हैं फॉर पावर टू बी सेम वी आर एम एस होना चाहिए 12 वोल्ट के बराबर। पीक वोल्टेज फाइंड करना है तो वी आर एम एस हो जाएगा हमारे पास वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट आ गया रूट टू वी आर एम एस रूट टू इंटू 12, तो फिर 12 रूट टू मोल्स हमारा आ गया आंसर है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में बोला गया अगर 12 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सेम पावर सपोज पी डेसिपेट हो रहा है, यहाँ पे भी हमने सेम सप्लाई किया है अभी पी डेसिपेट हो रहा है। तो यहाँ पे जब हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा था आरएमएस एंड आई आरएमएस का, उन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस था, अगर हम आरएमएस और आई आरएमएस सप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट में तो हमारा जितना भी हीट, अगर डीसी सर्किट में वी आरएमएस सप्लाई करते हैं तो जितना हीट डिसिपेट होगा उतना ही हीट जब वी वोल्ट सप्लाई कर रहे थे तब हमारा डिसिपेट होगा, और पावर सेम टाइम के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा वी आरएमएस क्या होना चाहिए 12 वोल्ट, तो वी नॉट आ जाएगा रूट टू वी आरएमएस। उसी तरीके का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन है, पीक पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टिव कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी। तो हमारा रेजिस्टेंस है उसको हमने एसी से कनेक्ट कर दिया, पीक पावर बोला गया है, लिख लेते हैं पीक पावर कितना है 80 वॉट्स। फाइंड एनर्जी कंज्यूम इन 100 सेकंड्स, 100 सेकंड्स में हमें एनर्जी फाइंड करना है, एनर्जी कितना हो जाएगा पावर इनटू टाइम बस, व्हिच इज मेनी टाइम्स लार्जर देन द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। ये जो टाइम है इस सोर्स के टाइम पीरियड से लार्जर है, पीक पावर 80 वॉट्स है तो इतना ही हमारा लॉस होगा, तो 100 सेकेंड में कितना लॉस होगा वो हमें फाइंड करना है। ये है 80 जूल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना लॉस है। यहां पे इस सर्किट में पीक पावर कितना है 80 वॉट्स, पीक पावर मतलब मैक्सिमम पावर का लॉस 80 वॉट्स है। अब हमें 100 सेकेंड में कितना पावर लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करना है, तो क्या हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे 80 इनटू 100 800 जूल्स, वो गलत हो जाएगा क्योंकि इस पीक वाले में हमारा मैक्सिमम पावर आ रहा है। पावर पीक पावर को हम बोल सकते हैं, इसको हम देखेंगे भी पीक पावर कितना हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी इनटू आई, पीक पावर है तो वोल्टेज का पीक वी नॉट स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय आर आ जाएगा पीक पावर, ये हमारा गिवन है 80 वॉट्स। नॉर्मली अगर पावर को कैलकुलेट करें पावर कितना लॉस होगा हमारा वी इंटू आई या फिर वी स्क्वायर आर एम एस वोल्टेज के बराबर, वोल्टेज होना चाहिए उतना पावर लॉस होगा, वी स्क्वायर आर एम एस बाई आर, वी स्क्वायर आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस होता है वी नॉट बाई रूट टू स्क्वायर अपॉन आर, या जाएगा 1/2 v नॉट स्क्वायर अपॉन r, v नॉट स्क्वायर अपॉन r कितना हमारे पास 80 अपॉन 2 आगे 40 वॉट्स, देख सकते हैं आसानी से किसी भी सर्किट में कितना पावर लॉस होगा। हमने देखा था आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस
करंट कंसीडर करेंगे उतना पावर लॉस होगा। तो यहां पे एनर्जी कितना आ गया, देयरफॉर एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर है 40 इनटू टाइम है 100, 4000 जूल्स आ गया हमारा आंसर। इसको नोट कर सकते हैं, हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पीक पावर कितना हो जाएगा जब वोल्टेज कितना हो जाएगा वी नॉट, वी नॉट स्क्वायर अपॉन पावर। पावर कितना होना चाहिए किसी सर्किट के अक्रॉस टोटल टाइम में, तो वी आर एम एस कंसीडर करेंगे।